हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर हम जो चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी है उसके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आते हैं उस यूनिवर्सिटी में बीपीएड के, वो क्वेश्चन पेपर देखेंगे। तो चलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम जो 2016 का बीपीएड का पेपर था स्पोर्ट्स मैनेजमेंट का, उसके क्वेश्चन पेपर देखेंगे और देखेंगे कौन कौन से क्वेश्चन आ रखे हैं। और अगर किसी को पीडीएफ वगैरह चाहिए हो तो दिए गए जो कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं आप। तो ये भी आपका जो 2016 में था वो भी हमारा 70 मार्क्स का था और 3 आवर्स का ही पेपर था। फिर इसके अंदर जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो था, व्हाट आर इम्पोर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट के इम्पोर्टेंस क्या थी, प्रिंसिपल्स ऑफ स्पोर्ट्स मैनेजमेंट बताना है। जो इम्पोर्टेंस बताने हैं स्पोर्ट्स मैनेजमेंट के वो 4 मार्क्स के हैं। फिर उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ स्पोर्ट्स मैनेजमेंट है वो है 7 मार्क्स के, और जो हमें डिफरेंस बताना है फंक्शंस ऑफ स्पोर्ट्स मैनेजमेंट का वो 4 मार्क्स का था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, व्हाट इज़ प्लानिंग, प्लानिंग क्या है, उसके बाद साथ में प्रिंसिपल्स ऑफ प्लानिंग क्या है, प्रिंसिपल्स 6 मार्क्स के हैं और जो डेफिनेशन है प्लानिंग की वो आपका 2 मार्क्स की है। और फिर उसके बाद दे रखा है इसके आगे क्वेश्चन के अंदर ही, डिस्क्राइब डिफरेंट स्टेप्स ऑफ प्रोग्राम डेवलपमेंट, जो भी हम प्रोग्राम वगैरह डेवलप करते हैं उसके अंदर जो जो से स्टेप होते हैं उसके को डिफरेंस करके बताना है, ये 7 मार्क्स का है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट आर डिफरेंट क्राइटेरिया ऑफ गुड बजट, जो गुड बजट होता है उसके क्राइटेरिया बताना है, ये 2 मार्क्स का है। इसका सेकंड पार्ट है, डिस्कस दी प्रिंसिपल ऑफ बजट, जो बजट वगैरह होता है उसके प्रिंसिपल को डिस्क्राइब करना है, ये 6 मार्क्स का है। और साथ में एक इसमें यहाँ पे आपको एक सिचुएशन दे रखा है या बजट बनाने के लिए दे रखा है, वो है प्रिपेयर अ बजट, एक बजट बनाना है कीपिंग इनकम, मतलब जो उसके अंदर इनकम दे रखी है हमें 1 लाख की, ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन ऑफ हाई स्कूल, हाई स्कूल का आपको एक बजट बनाना है फिजिकल एजुकेशन का प्रोग्राम का, और उसके अंदर वेरियस स्टेप्स बताने हैं प्रिपेयर करके बजटिंग के, ये आपका 7 मार्क्स का है। नेक्स्ट इज, व्हाट आर फंक्शंस ऑफ ऑफिस मैनेजमेंट, जो ऑफिस मैनेजमेंट होता है उसका क्या क्या फंक्शंस होते हैं, कैसे फंक्शन कर सकते हैं। नेक्स्ट इज, हाउ वुड यू मेंटेन स्टॉक रजिस्टर, जो हमारा स्टॉक रजिस्टर होता है उसको कैसे मेंटेन करके रख सकते हैं। फिर उसके साथ में क्वेश्चन में पूछा है, व्हाट आर द प्रोसेस टू मेंटेन मेडिकल एग्जामिनेशन रिकॉर्ड, जो भी बच्चे का या प्लेयर का मेडिकल रिकॉर्ड होता है उसको हम कैसे कर सकते हैं, मतलब कैसे लिख सकते हैं उसे। तो ये है आपका, हमारा टोटल इज 15 मार्क्स का यही है, 4 का ऑफिस मैनेजमेंट के फंक्शंस थी, फिर स्टॉक रजिस्टर को कैसे मैनेज करना है वो 6 मार्क्स का, और मेडिकल एग्जामिनेशन के रिकॉर्ड को ये 5 मार्क्स का। फिर उसके बाद है, व्हाट आर इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम टेबल, टाइम टेबल की क्या क्या इम्पोर्टेंस होती हैं, ये 8 मार्क्स के हैं। साथ में इसके कंटिन्यूटी में पूछा है, डिस्क्राइब द डिफरेंट फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस टाइम टेबल, जो भी आप टाइम टेबल बनाते हो उसको कौन कौन से फैक्टर्स उसको डिपेंड करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं, वो 7 मार्क्स में पूछा हुआ है। फिर उसके साथ में और में पूछा हुआ है, व्हाट डू यू मीन बाय फैसिलिटेट मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के बारे में क्या समझते हो, हाउ यू कैन मैनेज द डिफरेंट इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन, जो भी अलग अलग तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर होता है फैसिलिटीज़ के अंदर फिजिकल जो एजुकेशन का हमारा डिपार्टमेंट होता है उसके अंदर हम कैसे मैनेज कर सकते हैं। और साथ में पूछा हुआ इसमें, डिस्क्राइब अबाउट मेंटेनेंस ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स, जो भी हमारे स्कूल में या कॉलेजेस में स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स होते हैं जैसे बॉल बैट वगैरह, इनको कैसे आप मैनेज करके रख सकते हो, तो वो पूछा है। तो ये भी आपका टोटल 15 मार्क्स का ही था। नेक्स्ट इसमें दे रखा है, इनमें से कोई भी 2 के ऊपर शॉर्ट नोट लिखना है, ये 1, 7.5, 7.5 के हैं इनमें से, इसमें 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, 4 में से कोई 2 अटेम्प्ट करने थे। इसमें फर्स्ट है, उसमें हमें बताना है इम्पोर्टेंस ऑफ इंट्राम्यूरल कॉम्पिटिशन होते हैं उनके क्या क्या इम्पोर्टेंस होते हैं वो बताना है। सेकंड आप बता सकते थे सीडिंग क्या होता है। फिर उसके बाद है, डिफरेंट ऑफिशियल्स ऑफ एथलेटिक मीट, जो एथलेटिक मीट होती है उसके अंदर कौन कौन से ऑफिशियल्स की मीटिंग होती है उसके बारे में बता सकते थे। फिर उसके बाद आपको एक नॉकआउट फिक्सचर बनाना था 10 टीम्स का चेस कंपटीशन के अंदर,
तो ये भी आपके 7.5 का था, इसमें से 4 में से आप कोई भी 2 अटेम्प्ट कर सकते थे। फिर जो 5th क्वेश्चन आता है ये आपका आता है 1 मार्क ईच के MCQ आते हैं। तो इसके अंदर पहले हम MCQs को देख लेते हैं। इसके अंदर आपको टोटल 12 क्वेश्चंस होते हैं आपके पास, उनमें से कोई भी 10 अटेम्प्ट करने होते हैं। जैसे यहाँ पे ए है, द मेन डिफरेंस बिटवीन गुड एंड सर्विस इज, जो गुड और सर्विस होता है उसके बीच में क्या डिफरेंस होता है वो बताना था। और फ्रेंड्स अगर आपको बाकी जो MCQs के अंदर बच गए हैं उसके लिए PDF वगैरह चाहिए तो जो डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर है उस पर कॉन्टैक्ट करिए।